गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है आप लोग तालियों के क्वेश्चन और इसका हम पार्ट टू पढ़ रहे हैं। पार्ट वन में बच्चों हमने पढ़ा था तालियों के क्वेश्चन में कि पाचन किसे कहते हैं और पाचन में यदि भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां अलग अलग पशुओं में यानी अलग अलग एनिमल्स में कैसे होती है और कैसे वो भोजन को इंटेक करते हैं, भोजन को अंदर देते हैं, उसी को भी आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमें उन्हें उसे समझाया था कि आपको पाचन किसे कहते हैं। पाचन में समझाया था कि भोजन के जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना यानी उनका टूटना या विखंडन होना ही क्या कहलाता है, पाचन। लेकिन मैं आपको उसकी डेफिनेशन दिखा रही थी माय लेक्चर वन में, आज हम उसी को कंटिन्यू करते कह रहे हैं। पहले मैंने बताया आपको पाचन किसे कहते हैं और पाचन में मैं बताया था उसमें आपको भोजन के घटक, मैंने आपको सात घटकों के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, नुकसान, फाइबर्स और वाटर यानी जल। ये सात घटक हमने पढ़े थे और इन सात घटकों में पांच पोषक तत्व कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये पांच पोषक तत्व होते हैं और ये क्या होते हैं, जटिल होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जटिल होता है, वो इसी अवस्था में जो हमारा बॉडी है उसको अवशोषित नहीं कर सकती है, उसको इंटेक मतलब पोषण एनर्जी उससे नहीं हो सकती है, इसीलिए ही इन चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, पहले सरल खाद्य पदार्थों यानी सिंपल फूड मटेरियल में इनको कन्वर्ट करना होता है। ये हम कर चुके हैं, इसी के आगे आज हम करते हैं यानी मनुष्य में पाचन। आज जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों वो है मनुष्य में यानी मानव में पाचन, मनुष्य यानी मानव में पाचन और इसको हम मनुष्य की जगह मानव लिखेंगे, दिस साउंड्स गुड, मानव में पाचन इसको आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है इसमें आपको समझा रहा कि इन्हीं चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि मनुष्य की जो पाचन क्रिया है, डाइजेस्ट सिस्टम है, उसमें कौन कौन से अंग काम करते हैं। देखो सबसे पहले एक नॉर्मल अगर हम अपने घोड़े को देखते हैं तो हम फूड इंटेक करते हैं, भोजन को अंतर्ग्रहण, भोजन को अंतर्ग्रहण यानी फूड को इंटेक करना, फूड को अंदर लेना, ये क्या होता है अंतर्ग्रहण। कई बार इसकी वर्ड आता है अंतर्ग्रहण यानी फूड का इंटेक करना यानी भोजन को अंदर लेना। अब बच्चों हम जानते हैं कि भोजन को जैसे मनुष्य है यानी मानव है वो भोजन को अंदर कैसे लेते हैं, हम क्या करते हैं भोजन लेते हैं अपने हाथ से होते हैं और अपने मुंह में यानी मुंह में माउथ में उसको भोजन को रखते हैं, ठीक है, यानी भोजन तो इंटेक है, भोजन को ग्रहण करना कहाँ से शुरू होता है, माउथ से, ओके, माउथ में फिर हमारी टीथ होते हैं, टीथ की सहायता से हम जो फूड है वो करिए तो छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। इसके बाद में क्या होता है भोजन का पाचन होता है, भोजन इंटेक करता है, भोजन अंदर जाता है, उसका पाचन होता है। पाचन क्रिया होने के बाद में बच्चों उसमें से क्या निकलती है, ऊर्जा एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हमारे जो ब्लड सेल्स है रक्त कणिकाएं क्या करती है, ब्लड को एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है, एनर्जी का अवशोषण कर लेती है और उसको ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में जो हमारे शरीर के अंग हैं उन अंगों में पहुंचा दिया जाता है। और इसके बाद में बच्चों जो अनपचा यानी अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है इसके द्वारा पूरा देता है। ये हमारा एक बेसिकली जो फ्लो चार्ट है जिसमें हमें कहें कि हमारा जो मानव का पाचन तंत्र है वो कैसे काम करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या होता है मुख में यानी मुख में भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है अंतर्ग्रहण करने में मैंने बताया था आपको भोजन को अंदर लेना, क्या होता है अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को अंदर लेना, सबसे पहले मुंह में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों भोजन का पाचन, भोजन का पाचन क्या होता है, भोजन का
पाचन होता है और पाचन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होती है यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है। और जब ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है और जो रक्त कणिकाएं हैं, ब्लड सेल्स हैं, इनके द्वारा जो अवशोषित जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर फैलती है और इसके बाद में नष्ट हो जाता है और अपचित भोजन को भोजन का शरीर से बाहर निकलता है। बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल वे में समझे तो जो हमारे मानव में जो पाचन होता है वह भी चार स्टेप से होके गुजरता है। सबसे पहले भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं यानी भोजन को अंदर लेते हैं, भोजन निकलते हैं, उसके बाद में हम भोजन का पाचन स्टार्ट करता है यानी भोजन में से जो डाइजेशन का भोजन का जो पाचन है हमारे स्टॉमक में आपके भोजन का पाचन शुरू होता है। इसके बाद का अंदर ऊर्जा का अवशोषण जो भी एनर्जी होती है रिलीज होती है उसका अवशोषण हो जाता है गुजरता है और फिर उसका आमाशय में यदि भोजन की जो पाचन तंत्र की जो अन्य अंग है उनका पाचन होता है और लास्ट में गुदा के द्वारा अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। एक सतत प्रक्रम है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रम है जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है और पाचन ये चार स्टेप से होकर के। नेक्स्ट बच्चों, अब हम देखते हैं कि भोजन में कौन कौन से मुख्य अंग हैं जो कि हमारे काम कर रहे हैं यानी पाचन के अंग कौन कौन से अंग हैं जो कि पाचन में सहयोग करते हैं। तो देखिए आप, ये मनुष्य का पाचन तंत्र है और पाचन में फर्स्ट जो कि हम देख रहे हैं मुख गुहिका हमारे यहाँ कौन कौन सा होता है मुख गुहिका। मुख गुहिका के बाद में भोजन जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है हमारा रसिका। थर्ड जो है इसके बाद में रसिका से जो भोजन जा रहा है वो हमारा आमाशय क्या लिखेंगे हम आमाशय। और आमाशय के बाद में भोजन बच्चों कहाँ जा रहा है देखिए आपने दिखाया है आपको आमाशय के बाद जो भोजन है वो जा रहा है हमारा शुद्धांग। यहाँ पे हमने लिखा शुद्धांग जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं छोटी आंत ठीक है। इसके बाद में शुद्धांग से जाना है हमारा बृहदांग यानी बड़ी आंत। नेक्स्ट जो है हमारा बृहदांग बृहदांत्र इसे हम कहते हैं बड़ी आंत बढ़िया। इसके बाद जो भोजन है वो जा रहा है हमारा अंडाशय और अंडाशय से भोजन कहाँ निकलता है बाहर गुदा के। तो ये मेन पार्ट्स हैं जो कि हमारे भोजन के पाचन यानी मनुष्य में भोजन के पाचन के जो कि सर्वप्रथम जो देखा हमने आप ध्यान से समझेंगे कि सर्वप्रथम भोजन हम गुहिका यानी हमारी माउथ कैविटी इसको हम कहते हैं माउथ कैविटी। ये होता है ईसोफेगस स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। इंग्लिश वर्जन भी मैंने बताया है आपको पता होना चाहिए ये है हमारा माउथ कैविटी ईसोफेगस स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन आपको कहते हैं इंटेस्टाइन ये स्मॉल है और ये लार्ज है और लास्ट में आता है हमारा एनस। तो यहाँ से हमने देखा कि हमने भोजन लिया हमारा मुख गुहिका में हुआ मुख गुहिका में हमारे होते हैं टी क्योंकि क्या करते हैं भोजन को हम चबाते हैं चबा करके छोटे छोटे ऐसे उनका फॉर्म में कन्वर्ट
कर देते हैं और वह भोजन भी इस सघन नली यानी बड़ी नली यानी ग्रंथिका से होता हुआ कहाँ जाता है? आमाशय, आमाशय यानी स्टोमक। इसमें कुछ क्या होते हैं बच्चों? पाचक रस होते हैं, आमाशय रस होते हैं, पाचक रस यानी वो है हमारा एसिडिक यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यहाँ पे उसका भोजन का पाचन होता है, भोजन से एनर्जी को रिलीज किया जाता है। और यही पे हम देख रहे हैं, आगे बताऊंगी मैं आपको ये क्या है। आगे देखिए यहाँ से भोजन है जो बचा है, जो भोजन है वो जा रहा है हमारा क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में, और यहाँ पर जो भोजन का पाचन जो हमने हुआ यहाँ पर आमाशय भोजन का पाचन हुआ, जब क्षुद्रांत में बचा हुआ भोजन आता है तो वहां से एनर्जी का अवशोषण होता है। यहाँ पे बुलाई होते हैं, और एनर्जी बनी है पाचन होने के बाद में जो एनर्जी है उसको अवशोषित कर लेते हैं, अब्सॉर्प्शन हो जाता है, उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब्सॉर्ब करने के बाद वहां से ग्लैंड से स्मॉल इंटेस्टाइन से एनर्जी जो क्या हो रही है अब्सॉर्ब हो रही है रक्त कणिकाओं के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर जा रही है। समझ में आया आपको? जब पूरी बॉडी में यहां से चली गई इसके बाद में क्या हो गया? जब इसके बाद में बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जो अपचित भोजन जो होता है क्योंकि अपचित भोजन बन चुका है, उसके बाद में जो भोजन अब रह गया है वो यहाँ से बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत में आ जाता है। और बड़ी आंत में भी क्या होता है, जो उसमें कुछ पानी जल की मात्रा रह जाती है या कुछ और मिनरल्स वगैरह कुछ रह जाते हैं वहां पे भी उसका अब्सॉर्प्शन अब्सॉर्प्शन यानी पानी का भी अब्सॉर्प्शन हो जाता है। इसके बाद में जो अपचित यानी अनुपयोगी जो पदार्थ है अपचित भोजन है उसको यहाँ से मलाशय से होकर वहाँ गुदा यानी एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हो गए फ्लो चार्ट यानी फ्लो डायग्राम, आपको समझाया कि कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कैसे हमारा पाचन तंत्र काम करता है। अब जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये एक दो तीन चार पाँच छह पार्ट्स हैं बॉडी के अंग हैं पाचन तंत्र की जो अंग है ये इस तरह से इसमें भोजन जाता है। इसके अलावा जो होता है तीन ग्रंथियां होती हैं ग्लैंड्स होती हैं जो कि भोजन के पाचन में मदद करती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? देखिए नंबर वन होता है हमारा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि जिसे लाला ग्रंथि भी लिखा है आपके के अंदर, लेकिन इसे हम लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा यानी लार सीक्रेट करती है, लार को छोड़ती है स्रावित करती है लार पर। लाला ग्रंथि, लार ग्रंथि का काम क्या है? जब हम मुंह में भोजन लेते हैं उसको चबाते हैं तो थोड़े पाते वो क्या हो जाता है? चिकना, ठीक है। तो ये लार ग्रंथि होती है। दूसरा है हमारा यकृत और शामिल होता है वो भी हमारे क्या करता है जो पाचन और भोजन के पाचन में वो भी हेल्प करता है। और है अग्नाशय जो कि इसके नीचे होता है, इसके बारे में हम दोबारा बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको मैं जो हमने ये डायग्राम बनाया है वो चार्ट के हिसाब से मैं आपको समझा रही हूं कि इसमें कौन कौन सी चीजें काम कर रही हैं। देखिए यहाँ पे अग्नाशय वो स्टमक के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, और अग्नाशय से अग्नाशयी रस यानी पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है, पैंक्रियाज होता है पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है जो कि हमारे भोजन के पाचन में हेल्प करता है। ये सारे एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो पाचन किया है उसके अंदर, मतलब ये जो आपके मानव के जो पाचन अंग है और ये ग्लैंड्स मिलकर के पूरा पाचन तंत्र बनाते हैं, ठीक है। आप आगे देखिए एक लाइन मैं आपको लिखवा देती हूँ, आपको ये आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कौन कौन से अंग हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, ठीक है। आगे देखिए एक लाइन में पढ़ ली, आनाल तथा संबंध ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, यानी हम कहेंगे आहार नाल
तो अपन नाम में बता था मैंने आपको सारे अंक आते हैं सारे यानी आहा नाल आहा नाल एलिमेंट्री कैनाल आहा नाल तथा संबंध संबंधित ग्रंथियां संबंधित ग्रंथियां कौन कौन सी ग्रंथियां थी बताई थी मैंने आपको तीन ग्रंथियां ने बताई आपको लाल ग्रंथि स्लैबिंग ग्लैंड लिवर एंड पैनक्रियास अग्नाशय आहार से संबंधित ग्रंथियां लिवर पाचन तंत्र बनाती है समझ में आया आपको यानी आहार नाल यानी एलिमेंट्री का नाम और संबंधित ग्रंथि के दो तीन ग्लैंड्स हैं वो मिलकर के क्या बना लिया आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है अब मन का रिमाइंड करती है अब सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका मुख गुहिका देखिए सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं तो हमारी अंग है इसके अंदर उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं बच्चों मुख गुहिका नंबर वन है हमारा माउथ कैविटी यानी मुख गुहिका अब मुख गुहिका में जैसे कि हमें पता है क्योंकि हमारे भोजन जब हम माउथ कैविटी यानी मुख में लेते हैं उसके बाद में तीन नाके अंग हैं तीन चीजें हैं जो कि हमें भोजन को जटिल से सरल खाद्य पदार्थों में चेंज करने में हेल्प करती है कौन कौन सी है पहली है हमारा हमारे माउथ में है माई टीथ है माउथ में और दूसरा हमारा टंग है जो कि हमारे भोजन को काटने में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में गड़बड़ करने में मदरजित करने में हमारी हेल्प करते हैं और थर्ड है हमारा टंग यानी जीभ ओके अब तीनों चीजें ये कैसे काम करती हैं ये हम देखते हैं तो बच्चों सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे हम लार की कार्य जो लार ग्रंथि है यानी जो सलाइवा है वो क्या क्या काम करती है यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे लार के कार्य उसका पाचन का कार्य करते हैं लार में स्थिर एंजाइम लार में स्थित एंजाइम भोज्य पदार्थ में स्थित भोज्य पदार्थ में स्थित स्टार्च यानी मंड को इसमें कन्वर्ट करते हैं शर्करा यानी शुगर में शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं पहला काम क्या हो गया लार का पहला कार्य है लार का यानी स्लाइवा का पहला कार्य क्या है कि लार में स्थित में जो एंजाइम होते हैं लार में जो एंजाइम होते हैं वो क्या कहते हैं भोज्य पदार्थ में स्थित स्टार्च और यानी मंड जो स्टार्च है उसको शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं शर्करा में कन्वर्ट कर देते हैं दूसरा काम क्या करता है ये देखा है कि जब लार सिक्रीट होता है लार का स्राव होता है तो हमारे मुंह में जो हम भोजन लेते हैं उसको चबाते हैं तो चिकना हो जाता है तभी तो आसानी से हम उसको निगल पाते हैं जब हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको चबा लेते हैं चबाने के बाद में उसको निगलते हैं और निगलते समय क्या होता है चिकना हो जाता है चिकना होने का कारण क्या करता है लार भोजन को
चिकना चिकना बनाता है। क्या काम है दूसरा इसका? जो भी लाल है यह भोजन को क्या करता है? चिकना बनाता है। आप खड़े हैं लाल भोजन में उपस्थित हानिकारक जो बैक्टीरिया से जीवाणु हमको भी नष्ट करेगा उनको मार देगा। यानी लाल भोजन में उपस्थित भोजन में उपस्थित लाल भोजन में उपस्थित हानिकारक हानिकारक जीवाणुओं को हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है यानी मार देता है नष्ट कर देता है। ये हमें सीखे लाल के काले के लाल सीक्रेट होती है जो सलाइवा सीक्रेट होता है हमारी माउथ के अंदर वो हमारा क्या क्या कार्य करता है क्या करता है वो लाल भोजन में उपस्थित एंजाइम को भोजन पदार्थ में से स्टार्च को शर्करा में फिर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। लाल में भोजन को चिकना बनाता है। लाल के ये भोजन को क्या करता है? चिकना बना देता है और लाल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करने का उनको मारने का कार्य भी करता है। ये हमारे हो गए लाल के अब लाल के अंदर जो मंडली है जिसमें स्टार्च है ये किस तरह से शर्करा में कन्वर्ट होता है उसको हम एक नॉर्मल जो एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल प्रयोग है उसके द्वारा हम समझ सकते हैं जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है उसको मैं एक बार यहाँ पर आपको समझा देती हूँ कि जो लार है ये अपना कार्य कैसे करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों जो हल्का सा ये क्रियाकलाप है आपका परीक्षण है टेक्स्ट है उसमें देखिए क्या करना है आपको इस क्रियाकलाप की यानी लार का जो है हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं इसको। क्रियाकलाप यानी आपका होता है एक्सपेरिमेंट कैसा एक्सपेरिमेंट है देखिए इसमें क्या करना है आपको आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है एक टेस्ट ट्यूब ली मैंने और एक और टेस्ट ट्यूब मैंने यानी परत नलिया ली एक कांच की परत नलिया होती है जो कि हमने यहाँ पर इसको ली है ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों अब हमें जो चावल होते हैं राइस जो होते हैं उबले हुए चावल उबले हुए चावल हमें लिए तो एक जो परत नली है उसमें हमने थोड़े से यहाँ पर थोड़े से हमने क्या डाल दिया यहाँ पे उबले चावल समझ में आया आपको एक परत नली में क्या डाला हमने उबले चावल और दूसरी परत नली में जो उबले हुए चावल है उसको आपको थोड़ा सा मुंह में लेना है और उसको चबाना है और चबाने के बाद में जो चावल बचते हैं आप जो चबाने के उसको हमें अपने चबाए हुए चावल दूसरी बर्तन में डालना है यानी इसमें जो चावल पड़े हुए हैं वो है हमारे चबाए हुए चावल चबाए हुए यहाँ पे लिखे ना उबले हुए चावल वो भी दो चावल उबले हुए हैं एक तो हमें डायरेक्ट डस्टिंग में डाल दिया और दूसरे को डालने से पहले हमने उसको चबाया मुंह में चबाया चबा कर भी जब वो छोटा कन्वर्ट हो गया सर खाद्य पदार्थ में यानी सर उसमें उसके बाद में हमने उबले हुए चावल को दूसरी परत में यानी हम उसका नाम देते हैं ये ए है और ये बी ओके ए का बी यानी ए परत में अंदर हम उबले हुए चावल डाले और दूसरी परत में हमने उबले हुए चबाए हुए चावल इसमें इसके बाद में हमें दोनों जो बर्तनी है इसमें हमने इसमें पानी भर लिया क्या भरा इसमें हमने जल जल यानी पानी हमने इसके अंदर भर लिया ओके। जब पानी हमने इसमें डाल दिया और उसके बाद तो ये बर्तनी में कुछ वो हम आयोडीन आपको बता रहे यानी ये स्टार्च मल्ट मल्ट के थ्रू के हम आयोडीन सॉल्यूशन काम में लेते हैं तो यहाँ पे हमने दोनों के अंदर क्या डाल दिया इसमें भी डाला है और इसमें भी डाला है दोनों में हमने डाला आयोडीन विलयन और आयोडीन विलयन बनाने मैंने आपको बताया है पहले भी बताया है इसमें आयोडीन
टिंचर आता है, उस पैडिंग टिंचर में हम कुछ बूंद पानी की मिला के उसको मिलाते हैं, तो हमें बाद में आयोडीन जेल तैयार हो जाता है। उस आयोडीन जेल की कुछ बूंद हमें पर्पली पीली भी डाली और कुछ बूंद हमें पर्पली पीली भी डाली। अब कुछ समय बाद यानी आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद हम क्या देख रहे हैं, दोनों परिस्थिति में हमने देखा कि क्या इनमें कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ। इसमें कुछ समय बाद हमने देखा कि जो परिस्थिति कौन सी है, ए जो परिस्थिति है इसके अंदर जैसे ही हमने क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो इसने पानी को जो हमने मिला हुआ है यहाँ पे इसका कलर रंग परिवर्तित हो गया, रंग परिवर्तित हो गया यानी ये पर्पल कलर का यानी बैंगनी कलर का हो गया है। लेकिन जो परिवर्तनी कौन सी है, बी, इस परिवर्तनी में रंग जो का कलर है परिवर्तित रंग परिवर्तित नहीं होता है। यानी आपकी जो कलर वाले जिसमें परिवर्तनी के लिए कुछ बूंद हमने आयोडीन सॉल्यूशन की डाली थी, तो डालते ही इसका तो क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। और कलर चेंज होकर के ये क्या हो जाएगा, पर्पल कलर का हो जाएगा, आपका नीला या पर्पल कलर का डार्क कलर का हो जाएगा। और जबकि परिवर्तनी ये भी जब आयोडीन हमने डाली तो कोई भी रंग इसका कलर परिवर्तित कलर चेंज नहीं हुआ। आप बताओ मुझे इसका क्या कारण होगा, क्या सोचते हैं इसमें तो कलर चेंज हो गया, इसमें कलर चेंज नहीं हुआ, क्या कारण होगा। अपने दिमाग की जोड़ आएगी तो हमें हम देखते हैं, हम समझ सकते हैं, हम अपना निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो हमने परिवर्तनी की में जो ग्रे चावल डाले थे उन्हें क्या था, स्टार्च, और स्टार्च और मंड यानी स्टार्च एक मंड था, और स्टार्च जब भी आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में दिया करता है, आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है, तो हमें अपना कलर चेंज कर करके पर्पल कलर यानी बैंगनी कलर या डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन जो परिवर्तनी हुई थी बच्चों, इसके अंदर हमने जो उबले हुए यानी जो चावल थे उसको हमने चला के डाला, और जैसा कि मैंने बताया था, तो लाल कलर क्या कर रही है, मंड को शर्करा यानी शुगर में कन्वर्ट कर देती है। अब वो मंड नहीं है, अब क्या रह गया, शुगर में कन्वर्ट हो गया। और जब शुगर में कन्वर्ट होगा बच्चों, तो वो क्या करेगा, अब वो चेंज नहीं करेगा यानी कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अब परिवर्तनी जो ब्लू में फंक्शन है हमारा उसके अंदर स्टार्च है ही नहीं, और अगर स्टार्च नहीं है तो वो कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आदि जो सोल्यूशन हमने डाला वो रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करने के कारण जो परिवर्तन भी है इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि आप भी अपने नोटम करेंगे और आप समझे भी बहुत अच्छी तरह से समझा गए हो कि कैसे हमारे लाल ग्रंथि है वो कैसे कार्य करती है, और कैसे हम उसका परीक्षण करके हमने टेस्ट करके इसका पता लगाया है। उसके यहाँ अपने मम्मी का दो पत्नी जिसमें उसने उबले हुए चावल डाले, उसने उबले हुए जो चबाए हुए चबाए जो चावल है वो हमें डाले, दोनों में हमने पानी भरा और दोनों में कुछ मूल आयोडीन सॉल्यूशन की हमने डाली। हमें आयोडीन सॉल्यूशन के डाले एक बार कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पर्सन ए का जो कम है वो कलर चेंज हो गया है, कलर चेंज हो गया है, जबकि बी के अंदर कलर चेंज नहीं हुआ है। उसका कारण क्या था, क्योंकि पर्सन ए के अंदर स्टार्च है, तो उसने अपना आयोडीन सॉल्यूशन से रिएक्शन करके अपना कलर चेंज कर लिया, जबकि बी के अंदर पर्सन जो भी है इसने स्टार्च की मात्रा नहीं है यानी स्टार्च कन्वर्ट हो गया है शुगर में, इसने बदल भी जो स्टार्च था स्टार्च वो इसमें बदल गया है शर्करा में यानी शुगर में चेंज हो गया है, और जब स्टार्च शुगर में चेंज हो गया तो आयोडीन सॉल्यूशन के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। ये आपको इस मैंने बताया था
तरीका में तीन चीजें होती है, क्या क्या कहते हैं, एक तो लार लार गंदी होती है, थोड़ी खाली करती है, दूसरा मैंने बताया था आपको दांत और हमने पढ़ा था जीभ। अब इस मुखपीड़िका में हमने ये दिमाग एक तो हमने समझ लिया दांत का दिखा दिया समझ लिया, अब टीथ और टंग दो ही अपना कार्य कैसे करते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर यानी अगले के लेक्चर होगा हमारा उसमें कवर करेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन जितना मैंने आपको समझाया ये पूरा डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम भी आपको अपनी साइंस रजिस्टर जो हमने बना रखा है उसमें आपको लॉग आउट करना होगा, क्योंकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपना कार्य आपको दे दूंगी, वो आप इसके अंदर सेकेंड चैप्टर में आपने पढ़ाएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। और जितना मैंने पढ़ाया है उसको दोबारा रीड आउट करेंगे, दोबारा समझेंगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ओके, आज जितना पढ़ाया है उसको आप समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट आउट करेंगे। इसके बाद वाला नेक्स्ट जो हमें पार्ट थ्री में हम नेक्स्ट वीडियो